वीरवार को स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने करनाल के सामान्य अस्पताल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि यह टीम यमुनानगर से आई है। करीब आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर्स की टीम ने सामान्य अस्पताल के प्रत्येक वार्ड, ट्रामा सेंटर और ओपीडी विभाग के साथ साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर तथा लेबर रूम का भी निरीक्षण किया। जांच करने आई टीम के एक अधिकारी ने समाचार एक्सप्रेस को जानकारी दी कि उनका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक मरीज को बेहतर सुविधा प्रदान करना है, मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सुविधा मरीजों को मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सामान्य अस्पताल में ऐसी कोई भी बड़ी खामी नहीं मिली है। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टरों तथा मरीजों के साथ उनके विचार साझा किए। इस मौके पर टीम के सदस्यों के साथ सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सतवीर तथा टीबी रोग विशेषज्ञ प्रदीप कुमार मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आने का आपका मकसद क्या है टीम का? हम लोग यहाँ पे हरियाणा सरकार का जो प्रोजेक्ट है कायाकल्प, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम हॉस्पिटल की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, जनरल रख रखाव जो और मरीजों को जो सुविधाएँ मिल रही हैं वो किस तरीके की दी जा रही हैं, ताकि उनको और हम बेहतर से बेहतर बना सकें। सर, इसके अलावा और क्या मकसद होता है टीम का? टीम का मकसद तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही होता है। तो अगर बाकी सारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर हमें लगता है कि गलती है या हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो उसको हम बढ़ा सकें और जन जन तक हम बात को पहुँचा सकें कि काम और हमारी जो संस्था है वो अच्छे काम के लिए ही तत्पर है। तो सर, किस नाम से जानी जाती है आपकी संस्था? संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइज जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के ही हैं। तो सर, एक ही जगह से आप लोग अलग अलग जा सकते हैं? हम लोग एक ही जगह से। कहाँ से सर आप? हम लोग सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से हैं। तो सर, अभी तक क्या मिला आपको? कुछ खामी मिली, कुछ अच्छा मिला देखने को? नहीं, अभी तक ठीक मिला, अभी तो हमने काम शुरू किया है।